सुप्रभातम मेरे दोस्तों, मित्रों, भक्तों एवं संतों, फिर पुनः आपका एक नए वीडियो में स्वागत है। मैं अपने आसन पर बैठा हूँ और ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, अंत तक अवश्य देखना। अंत में आपको देखने को मिलेगा इच्छाधारी नागिन मंदिर। इच्छाधारी नागिन का मंदिर है और वहाँ मैं जा रहा हूँ, तो आपको देखने को मिलेगा अति सुंदर। और ये हम्पी किष्किंधा में है, तो चलते हैं वीडियो देखते हैं। फिर जय श्री राम। ये अच्युत राय मंदिर आपको दिख रहा है, इसके एक गेट पर हम, कई दीवार है इसमें, एक गेट पे हम खड़े हैं जिसकी एक कलाकृति आप देखिए। ये इसी तरह मेरे पीछे भी है, इसके बाद एक गेट है, फिर उसके बाद मंदिर का पोर्शन है। और ये आप देख रहे हैं इसकी कलाकृति दीवारों पे। और ये इस तरफ मार्केट बनी हुई है, ये तो इस पूरे क्षेत्र को अच्युत नगर भी बोलते हैं, जिसे अच्युत राय राजा जब हुए तो उन्होंने इसको बनवाया था। ये हम अच्युत राय मंदिर पहुंच गए हैं। बोलते हैं कि अच्युत राय जब राजा थे तो उन्होंने ये मंदिर बसाया था और इस मंदिर के सामने मार्केट बनाया था, तो ये अच्युत राय नगर बोलते थे। अब इसके बैक साइड में वो नाग देवता का मंदिर है और वहाँ चलते हैं। मंदिर में मूर्ति, इस सब मंदिर में मूर्तियाँ नहीं है, मंदिर आधा खंडहर हो गया है, बनावट एक ही जैसी है सबकी। चलते हैं, इधर से रास्ता है। ये सामने मतंग ऋषि पहाड़ी दिख रही है और ऊपर मंदिर। इस मंदिर का वीडियो मैंने बनाया है और मेरे हम्पी प्लेलिस्ट पे आप जाके देखेंगे तो ये नीचे से ऊपर तक चढ़ने का और ऊपर से चारों तरफ की सीन का उसमें वर्णन है। और अब चलता हूँ मैं नाग देवता मंदिर जो बता रहे हैं इसके पीछे है, देखते हैं। इस जो इसके पहले वीडियो में आपने म्यूजियम देखा था, म्यूजियम में एक फ़ोटो मैंने दिखाया था अर्धनारीश्वर की, तो वो मूर्ति यहीं से गई है, नाग देवता मंदिर से ही, संभवतः 80% ऐसी पॉसिबिलिटी है। और अब मैं उसी नाग देवता मंदिर के लिए आज टारगेट किया हूँ। और मेरे दाहिने साइड में मतंग ऋषि पहाड़ी है। अच्युत राय मंदिर से निकल के पीछे गेट से मैं निकलूँगा, फिर देखता हूँ, पहुँचने पे आपको दिखाता हूँ। अच्युत राय मंदिर से ठीक पीछे हट्टुकाई अम्मा मंदिर है, देवी मंदिर यही। और यहाँ से नाग देवता मंदिर पूछते हैं, यह देवी मंदिर है, ये माता जी का मंदिर है, देखिए माता जी का मंदिर देखिए। सर्वप्रथम गणेश भगवान, उसके बाद ये माता जी, बड़ी दिव्य मूर्ति उकेरी गई है। और अतिकाय माता जी है और ये बच्ची देवी पूजा कर रही है। माता जी को नींबू की माला पहनाई गई है, आप देखिए, थोड़ा सा बच्ची हटना, तो ये गुड़िया, ये बच्ची, ये देखिए, पूरी नींबू की माला पहनाई गई है माता जी को। ये भी गणेश जी की प्रतिमा है। और ये सामने अच्युत राय मंदिर है, उसके ठीक बैक साइड में है। और इसके ठीक आगे नाग देवता का मंदिर है, जो जंगल के रास्ते से जाना पड़ता है। और इस रास्ते से हम नाग देवता मंदिर चल रहे हैं, इस कच्चे रास्ते से। ये भी कुछ खंडहर है, कोई मंदिर था, देख रहे हैं आप। तो ये नाग देवता मंदिर हम पहुंच गए, खंडहर हो गया है अब, तो खेत सब बन गए हैं,
आपको दिखाते हैं। आप देखिए पानी चल रहा है खेतों में। नाग देवता भगवान की जय। इस मूर्ति में भी अर्धनारीश्वर है, नीचे सर्प का हिस्सा है, ऊपर नारी का। और जय हो प्रभु। जय हो नाग देवता भगवान की। यहाँ जितनी मूर्तियाँ हैं आप देखिए, मेन अर्धनारीश्वर भगवान की। ये बहुत दिव्य खोज है। ये देखिए ऊपर, और इसमें अर्धनारीश्वर है। यहाँ जितनी भी मूर्तियाँ हैं सब, ये देखिए, ये जितनी भी मूर्तियाँ हैं सब उसी टाइप की हैं, और यहीं से वो मूर्ति गई है। जितने भी पत्थर हैं सब पे नाग देवता की मूर्ति है, अर्धनारीश्वर की मूर्ति है। ये देखिए इधर भी नंदी भी हैं। ये देखिए, ये भीषण जंगल में मैं आया हूँ। आप देखिए खेत के बीच में है, ये बहुत प्रसिद्ध है लेकिन खंडहर हो चुका है। अभी जितने पत्थर पड़े हैं आप देख रहे हैं, सब पे नाग देव की मूर्ति उकेरी गई है। ये देखिए, ये देखिए सभी पत्थरों पे नाग की मूर्ति उकेरी गई। ये बड़ा भव्य मंदिर रहा होगा लेकिन आज तो खंडहर हो गया है। इधर भी आप देखिए, इस साइड में भी जितने पत्थर हैं सब पे, वो म्यूजियम में जो मूर्ति लगाई गई है वो यहीं से गई है, अब कंफर्म हो गया। अब आप इस नाग देवता मंदिर के चारों तरफ का दृश्यावलोकन करिए। यहाँ लोग खेत हो गया, केले की खेती कर रहे हैं, सामने पहाड़ी है। हमें एक पुलिस वाला वहाँ बता रहा था किले में कि इधर से सीधा चले जाओ, लेकिन वो रास्ता सही नहीं था। और इधर ये मतंग ऋषि की पहाड़ी दिख रही है, बच्चे वहाँ शोर मचा रहे हैं। आगे देवी मंदिर है, फिर अच्युतराय मंदिर है, फिर मैं निकल जाऊँगा। ये है यहाँ का सीन। और इस जंगल में आके आपके लिए ये एक शक्ति स्वरूप नाग देवता के मंदिर को दिखाया। अति कृपा होगी आपकी। दोस्तों, मित्रों, भक्तों एवं संतों, आपने इस दिव्य शक्ति वाले स्थान को देखा। मंदिर तो खंडहर हो गया है, ये आप जानते हैं, देख ही रहे हैं। और यहाँ की लोकेशन भी आपने देखा, ये देखिए ये, और ये सामने पहाड़ी, मतंग ऋषि की पहाड़ी है जो दूसरे वीडियो में हमने दर्शाया है। और इस जंगल में हम खड़े हैं, तो मेरे इस परिश्रम को देखते हुए ये तो बनता ही है कि यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिए, और ये वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। प्रभु जी, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खाते पीते खेलते कूदते मस्त रहिए। जय श्री कृष्णा।